लोकसभा चुनाव के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन तैयार है, ये दावा है गाजियाबाद डीएम का। गाजियाबाद डीएम के मुताबिक 304 मतदान केंद्रों पर वीडियो कैमरेज और वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने चुनाव की सभी तैयारियां कर ली हैं। गाजियाबाद डीएम के मुताबिक 27,26,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 15,51,000 पुरुष और 12,00,000 महिला वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशन 693 हैं, जबकि पोलिंग बूथ की संख्या 3,041 है, जिसमें से 173 मतदान केंद्र क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं। इन केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, साथ ही वीडियो कैमरा और 304 केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए भी नजर रखी जा रही है। बाकी 490 केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। जिले में 9,027 दिव्यांग वोटर्स हैं, जिसके लिए 381 व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। पूरे जिले में 212 सेक्टर्स 29 जोन हैं और 11 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। नए मतदान के तौर पर जिले में 2,00,000 नए मतदाता जुड़े हैं, जबकि 55,000 नाम हटाए गए हैं। 14,000 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है, जो चुनाव में काम करेंगे। 47 केंद्रों के आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पानी से लेकर सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सभी विधानसभाओं पर एक एक केंद्र महिलाओं के लिए सखी बूथ के तौर पर बनाया गया है, जहां महिला कर्मी और महिला सुरक्षा कर्मी तैनात की जाएंगी। फ्लाइंग स्क्वाड 18 स्टैटिक के वाहनों में GPS ट्रैकिंग लगाई गई है। EVM के खराब होने पर EVM मशीन को बदला जाएगा। सभी स्कूलों में से 9 से 11 अप्रैल तक की छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। टोटल जनपद में 304 बूथ पर हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं, जिसमें 250 के करीब क्रिटिकल बूथ हैं और बाकी सामान्य बूथ हैं। इसके अलावा जो 10 बूथ से बड़े मतदान केंद्र हैं, उन पर हम लोग स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी 33 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगा रहे हैं और इनसे वीडियोग्राफी भी हम लोग। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले में 16,000 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जिसमें से 18 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल भी शामिल है, जिसमें SSB, CRPF, RAF, पंजाब पुलिस, PSC और छत्तीसगढ़ राइफल्स सभी 174 क्रिटिकल केंद्र पर हाफ सेक्शन केंद्रीय बल को लगाया जाएगा। सभी 16 थानों में एक एक मोबाइल वैन, एक एक क्विक रिस्पॉन्स टीम, 54 फ्लाइंग स्क्वाड, 75 क्लस्टर मोबाइल लगाए जाएंगे। चुनाव के दिन डायल 100 को भी कॉल न होने पर आसपास के इलाकों में भ्रमणशील रहेगी। 2 प्लाटून रिजर्व रखा गया है। टोटल जो हमारे जनपद जो फोर्स लग रही है, उसमें 2 पार्ट है, बाहर से जो फोर्स प्राप्त हुई है और जो पूरे जनपद की जो लग रही है। तो बाहर से जो हमें फोर्स प्राप्त हुई है, सब इंस्पेक्टर है 877, 877 सब इंस्पेक्टर, 549 हेड कांस्टेबल, 3169 कांस्टेबल, 3169 कांस्टेबल, 6838 होमगार्ड, 6838 होमगार्ड, ये बाहर से फोर्स प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बाहर से 18 कंपनी पैरामिलिट्री की प्राप्त हुई है, जो 100% आ चुकी है, जिनका एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च कल से लगातार चल रहा है। हाँ, 18 कंपनी, तो ये बाहर से प्राप्त होने वाली फोर्स है। जनपद की जो फोर्स है, ऑलमोस्ट 100% हमारे जनपद की फोर्स चुनाव में ही लगी होगी। चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने गाजियाबाद में पूरी तैयारियां कर ली हैं, साथ ही सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए काफी बल तैनात किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इतना सुरक्षा बल तैनात होने के बाद मतदान शांतिपूर्ण होना चाहिए। कणवीर कश्यप, टोटल न्यूज, गाजियाबाद।